अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ ज़बरदस्त नई वैकेंसी शेयर करने वाला हूँ। खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन में दोस्तों नई नौकरी आई है, नया इश्तहार आया है। सबसे पहले आप लोगों को इश्तहार दिखा देता हूँ, उसके बाद आप लोगों को ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीकाकार गाइड करूँगा। दोस्तों, खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन में नई वैकेंसी है, इश्तहार नंबर 10 है। अप्लाई करने की आखिरी तारीख 5 नवंबर 2021 है और इसमें सबसे पहला डिपार्टमेंट है एग्रीकल्चर लाइफ स्टॉक फिशरीज एंड कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट। इसमें दोस्तों रिसर्च ऑफिसर या फिर फार्म मैनेजर की वैकेंसीज हैं। नेक्स्ट है रिसर्च ऑफिसर वेजिटेबल की वैकेंसीज हैं। उससे अगला डिपार्टमेंट है दोस्तों कम्युनिकेशन एंड वर्क्स डिपार्टमेंट, इसमें असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसीज हैं। नेक्स्ट है एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट, इसमें दोस्तों लाइब्रेरियन की वैकेंसीज हैं, फीमेल लाइब्रेरियन की वैकेंसीज हैं। और अगला डिपार्टमेंट दोस्तों हेल्थ डिपार्टमेंट, इसमें एसोसिएट प्रोफेसर केमिकल पैथोलॉजी मेडिकल एंटोमोलॉजिस्ट की वैकेंसीज हैं और तबीब की वैकेंसी हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर कम्युनिटी एंड प्रिवेंटिव डेंसिटी की 200 वैकेंसी हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर एनेस्थीसिया की वैकेंसी हैं। नेक्स्ट है 200 असिस्टेंट प्रोफेसर कम्युनिटी मेडिसिन की वैकेंसी हैं, प्रोफेसर डर्माटोलॉजी की वैकेंसी हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर एनाटॉमी की वैकेंसी हैं और स्पीच थेरेपिस्ट की वैकेंसी हैं, कंप्यूटर प्रोग्रामर की वैकेंसी हैं, आर्डियोलॉजिस्ट की वैकेंसी हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की वैकेंसी हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर आईटी की वैकेंसी हैं, हॉस्टल वार्डन और न्यूट्रिशनिस्ट की वैकेंसी हैं। हर एक क्या के दोस्तों मुकम्मल तफसील दी गई है। अगला डिपार्टमेंट है दोस्तों हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, इसमें दोस्तों फीमेल लेक्चरर की वैकेंसी हैं, जिसमें रिसोर्स एंड फैसिलिटी मैनेजमेंट, फिजिक्स, लाइब्रेरियन, जियोग्राफी की वैकेंसी हैं। नेक्स्ट डिपार्टमेंट दोस्तों होम एंड ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट, इसमें दोस्तों एनालिस्ट की वैकेंसी हैं और क्वांटिटेटिव एनालिस्ट की वैकेंसी हैं। अगला डिपार्टमेंट है दोस्तों इंडस्ट्रीज कॉमर्स एंड टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफिसर की वैकेंसी हैं। इरीगेशन डिपार्टमेंट में दोस्तों असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसी हैं। लॉ पार्लियामेंट्री अफेयर्स एंड ह्यूमन राइट्स डिपार्टमेंट में दोस्तों असिस्टेंट ड्राफ्टिंग ऑफिसर की वैकेंसी हैं। पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट में दोस्तों डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन की वैकेंसी हैं, स्टोर कीपर की वैकेंसी हैं। हर एक क्या की दोस्तों मुकम्मल तफसील दी गई है और यहाँ पर दोस्तों नीचे अप्लाई करने के हवाले से मुकम्मल तरीक़ाकार भी दिया गया है। आप लोगों ने कैसे अप्लाई करना है मुकम्मल यहाँ पे दोस्तों तफसील दी गई है। इश्तहार की तफसील के लिए दोस्तों आप लोग हमारी वेबसाइट dailyjobinform.blogspot.com विज़िट कर सकते हैं। इस वेबसाइट पे रोज़ाना की बुनियाद पर जितनी भी नई वैकेंसीज आती हैं तमाम के इश्तहारात अपलोड कर दिए जाते हैं, साथ अप्लाई करने का मुकम्मल तरीक़ाकार यहाँ पर गाइड कर दिया जाता है। मज़ीद नौकरियों के इश्तहारात के लिए हमारी वेबसाइट को फॉलो करें, हमारे YouTube चैनल डेली जॉब इन्फो को सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को वेबसाइट ओपन करके दिखा देता हूँ कि दोस्तों आप लोगों ने कैसे अप्लाई करना है। खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन के दोस्तों वेबसाइट ओपन है, यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन की ऑप्शन है, आप लोगों ने इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आप लोगों ने यहाँ पे आप लोगों को वेबसाइट पे अगर आप लोगों का अकाउंट पहले से बना है तो आप लोगों ने साइन इन कर लेना, अगर आप लोग पहली दफ़ा इस्तेमाल कर रहे हैं तो दोस्तों आप लोगों ने नया अकाउंट बना के उसके बाद आप लोग साइन इन करने के बाद ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं।
अगर आप लोगों को अप्लाई करने में कहीं भी मसला पेश आए तो आप लोग कमेंट्स में हमसे रब्ता कर सकते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।